नमस्कार, स्वागत है आपका शूटआउट में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। वो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह जो ट्रक ड्राइवर से बना एक ऐसा कुख्यात अपराधी जिसके नाम से बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट गए। हत्या, जबरन वसूली, लूटपाट से मेरठ में एक बड़ा साम्राज्य भी खड़ा किया, लेकिन पुलिस ने जब उस पर शिकंजा कसा तो उसका पूरा साम्राज्य हिल गया। उसे पुलिस ने गिरफ्तार तो किया पर उसे सलाखों के पीछे रखने में सफल नहीं हुई। आखिर कौन है वो वेस्ट यूपी में मौत का सौदागर, इस रिपोर्ट में देखिए। बदन सिंह बद्दो, यूपी में खौफ का एक ऐसा नाम जिसका आतंक न जाने कितने बेगुनाह लोगों के कत्ल की कहानी लिख चुका है। कभी पुलिस की आंखों में मिर्च झोंकना तो कभी पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाना, उसके अपराध की डायरी में न जाने कितनी बार लिखा जा चुका है। कहानी की शुरुआत होती है पश्चिमी यूपी के जिला मेरठ से। मेरठ की धरती उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर और अपराधियों के खौफ की गवाह रही है। बदन सिंह बद्दो यूपी का कुख्यात अपराधी जो उम्र कैद तक की सजा पा चुका है, फिलहाल फरार चल रहा है। बद्दो ने साल भर से भी ज्यादा वक्त से यूपी पुलिस को छका रखा है। बद्दो पर 2.5 लाख का इनाम भी है। बदन सिंह बद्दो की अपराधों की कहानी जितनी दिलचस्प है उससे कई ज्यादा खौफनाक भी है। बदन सिंह बद्दो 1980 के आसपास मेरठ में ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। थोड़ी बहुत दबंगई करता था, यही दबंगई बढ़ती गई और बद्दो का नाम छोटे मोटे बदमाशों में लिया जाने लगा। धीरे धीरे बद्दो ने यूपी के बॉर्डर पर शराब तस्करी शुरू कर दी। यहीं से बद्दो का नेटवर्क बढ़ने लगा। 1988 के उस दौर में बद्दो पर पहली बार हत्या का केस दर्ज हुआ जब उसने दिन दहाड़े मेरठ के गुदारी बाजार कोतवाली में राजकुमार नाम के एक शख्स की हत्या की थी। उसके बाद से ही पश्चिमी यूपी में जुर्म की दुनिया में बद्दो के नाम का डंका बजने लगा था। बद्दो बड़ी सुर्खियों में उस वक्त आया जब साल 1996 में मेरठ के ही वकील रविंद्र गुर्जर की हत्या की थी। पुलिस वालों को शराब पिलाकर भाग गया। उसके बाद 1996 के इस मर्डर केस में बद्दो को 2017 में गाजियाबाद अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उस दौरान उसने 2 साल की सजा फतेहगढ़ जेल में काटी। मार्च 2019 में उसे एक मामले में फिर गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जब फतेहगढ़ पुलिस उसे पेशी से वापस ले जा रही थी तो वो पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। इसके अलावा कुछ संदिग्ध लोग और भी हैं जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। पुलिस अभी उनसे भी अभी पूछताछ कर रही है, तो बहुत जल्दी पूरी डिटेल्स आपको मुहैया करा जाएंगे। कहाँ से फरार हुआ ये और किस होटल का नाम आ रहा है? और देखिए, एक होटल है जो ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में पड़ता है, उस होटल की बात आ रही है। बहुत सारी डिटेल्स अभी थोड़ी देर से उपलब्ध करा दी जाएंगे। वो तारीख थी 28 मार्च 2019 जब शातिर बद्दो पेशी के बाद पुलिस को मेरठ के रास्ते होकर चलने के लिए राजी कर लिया और पुलिस टीम उसे लेकर मेरठ के मुकुट महल होटल पहुंची। ये मेरठ का वही होटल था जिसने बदन सिंह की साझेदारी थी। इस दौरान होटल मुकुट महल में पुलिस की जमकर खातिरदारी की गई। खाने के साथ साथ शराब भी परोसी गई। टीम में शामिल आधा दर्जन पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत हो गए। बद्दो ने मौके का फायदा उठाया और मौके से फरार हो गया। फरारी के बाद से आज तक पुलिस को बदन सिंह बद्दो का कोई सुराग नहीं मिल पाया। जानकारी है कि बेटे टोनी के साथ बद्दो नेपाल के रास्ते से मलेशिया पहुंच गया है। वो हर महीने मेरठ, दिल्ली और NCR के दूसरे इलाकों के लोगों से बात करता है। बाप बेटे की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगी हुई है। बात अगर बद्दो के अपराध की दुनिया की करें तो उस पर हत्या, जबरन वसूली, अवैध हथियारों की सप्लाई जैसे मामलों में 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उस पर 2011 में जिला पंचायत सदस्य संजय गुर्जर की हत्या, 2012 में केबल मैनेजर पवित्र मैत्रेय की हत्या का केस है। इस मामले में पुलिस ने बद्दो को फरार करने के आरोप में उसके साथी मुकेश गुप्ता को गिरफ्तार किया। ये वही मुकेश गुप्ता है जो अभी तक कोर्ट की गिरफ्तारी पर दिए गए स्टे ऑर्डर के आधार पर बसता रहा। जनपद फरुखाबाद की पुलिस इसको फरुखाबाद से गाजियाबाद पेशी पर लेकर गई थी और वहाँ से लौटते समय पेशी पर ये जनपद मेरठ में आया और मेरठ में आने के बाद ये यहाँ से फरार हुआ है। पुलिस अभी और भी सारी डिटेल्स जो यहाँ के जितने भी कर्मचारी गण हैं जो इसको लेकर आ रहे थे, पुलिसकर्मी गण हैं, उनसे अभी पुलिस और डिटेल्स अभी एक्सट्रैक्ट कर रही है। 1970 के दशक में बदन सिंह के पिता
चरण सिंह जलंधर छोड़कर यूपी के मेरठ में रहने आ गए थे। सात भाइयों में सबसे छोटे बदन सिंह बद्दो ने ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में उसने आलीशान घर बनाया। हालांकि मौजूदा समय में पुलिस ने उसे नस्तानबूत कर दिया। माना जाता है कि 1988 में उसने जुर्म की दुनिया में आमद की। इसके बाद उसने पलट कर नहीं देखा। कारोबार और जुर्म दोनों ही जगह उसने अपनी पहचान बना ली। बदन सिंह यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बनने लगा था, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही थी, लिहाजा यूपी पुलिस ने उस पर 1,00,000 का इनाम रखा। दिल्ली पुलिस ने भी उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 के इनाम का ऐलान किया। अब बदन सिंह के खिलाफ हत्या जैसे संगीन 34 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा लूट और डकैती के कई मामले में वो नामजद है। साल 1996 में जब बदन सिंह ने एक वकील का मर्डर किया तो मामला खूब गर्मा गया, जिसके बाद अदालत ने बदन सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी। और जब बदन सिंह पकड़ा गया तो उसे जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद बदन सिंह ने अपनी पैरोल के लिए कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन अदालत ने उसके अपराधों को संगीन बताते हुए उसकी पैरोल खारिज कर दी, जिसके बाद बदन सिंह ने जेल से भागने की योजना बनाई और पिछले साल बदन सिंह ने अपने इस योजना को अमली जामा पहनाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो का रहन सहन देखकर कोई भी उसके शौक का अंदाजा आसानी से लगा सकता है। उसकी शानो शौकत भरी जिंदगी देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि वो एक मोस्ट वांटेड अपराधी है। महंगी विदेशी बंदूकें, विदेशी नस्ल के कुत्ते, बुलेट प्रूफ कारों का जत्था, सीसीटीवी समेत आधुनिक सुरक्षा तंत्र, किसी महल जैसे आलिशान घर, महंगे ब्रांड के जूते और कपड़े पहनना बदन सिंह बद्दो को कई अपराधियों से अलग बनाता है। उसका लाइफस्टाइल देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो एक शातिर अपराधी है। उसने अवैध वसूली करने और फिरौती वसूलने से लेकर हत्या, हत्या की कोशिश, बैंक डकैती, रंगदारी जैसे कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया। 2,50,000 का इनामी कुख्यात बदमाश बदन सिंह उर्फ बद्दो यूपी पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है और उसी के लिए एक ट्रक ड्राइवर से जुर्म की दुनिया में अपना महकमा जमाने के बाद बदन सिंह बद्दो ने यूपी पुलिस की नींद हराम करके रखी है, जिसके बाद अब बदन सिंह बद्दो के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद इंटरपोल तक से उसकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। लेकिन मार्च महीने से, पिछले साल मार्च के भागने के बाद से बदन सिंह बद्दो की परछाई तक पुलिस छू नहीं पाई है। बद्दो के अतीत और हिस्ट्री शीट को जानने के लिए 25 साल पीछे चलते हैं। इसके बाद मारपीट और जानलेवा हमले की छोटी मोटी घटनाओं से वह सुर्खियों में आया। जल्द ही बद्दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात सुनील मूंछ और भूपेंद्र बाफर के संपर्क में आया। यहां से वह लगातार अपराध जगत की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। कुख्यात बदन सिंह के आपराधिक इतिहास की बात करें तो उसके खिलाफ हत्या से लेकर जमीन कब्जा करने तक सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। केवल व्यवसायी पवित्र मैत्रेय की हत्या में कुख्यात बदन सिंह बद्दो का हाथ रहा है। साल 2011 में सदर थाना क्षेत्र में हुए बीएसपी जिला पंचायत सदस्य संजय गुर्जर की हत्या में भी बद्दो वॉन्टेड है। जुल्म और जुर्म की बहुत सी दास्तानें आपने सुनी होंगी और देखी होंगी, लेकिन बदन सिंह ने अपने आपराधिक इतिहास की जो कहानी लिखी वो पुलिस के गले की फांस बन गई। बद्दो पुलिस कस्टडी से फरार है और पुलिस उसे तलाश रही है, लेकिन जब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती न जाने कितने लोग उसके खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। आज शूट आउट में बस इतना ही, फिर होंगे हाजिर अपराध की एक और कड़ी के साथ। नमस्कार।